हिंदुस्तान जिंक द्वारा आयोजित होने वाली भारत की सबसे खूबसूरत वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन रविवार 29 सितंबर 2024 को उदयपुर फील्ड क्लब से शुरू होगी, जिसमें हजारों प्रतिभागी दौड़ेंगे। नकद एवं अन्य पुरस्कार के साथ ये मैराथन इस दौड़ में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को शीर्ष धावकों के साथ शांत फतेह सागर झील के चारों ओर एवं अरावली पर्वतमाला का अनुभव करने का अवसर प्रदान करेगी। वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 21 किलोमीटर की 3 अलग अलग श्रेणियां होंगी। फिनिशरों को शहर की सुंदरता का अनुभव करने के साथ साथ हिंदुस्तान जिंक द्वारा उत्पादित बेहतरीन जिंक से बने विशिष्ट पदक प्राप्त करने का मौका मिलेगा। पदक के अनावरण प्रेस कॉन्फ्रेंस कार्यक्रम के दौरान हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के CEO अरुण मिश्रा, ABCR के संस्थापक डॉक्टर मनोज सोनी, फील्ड क्लब उदयपुर के सचिव उमेश मनवानी और हिंदुस्तान जिंक के अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति में किया गया। एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन और डिस्टेंस रेस के आधिकारिक सदस्य के रूप में वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन और AIMS प्रमाणन प्राप्त है, जो इसकी वैश्विक मान्यता को मजबूत करता है। मैराथन की थीम रन फॉर जीरो हंगर सामाजिक जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है और कुपोषण मुक्त भारत के उद्देश्य के साथ है। मैराथन का पहला संस्करण जिंक की समृद्ध विरासत के साथ झीलों के शहर उदयपुर को पहचान को जिंक सिटी की पहचान का भी प्रतीक है। जिंक माइनिंग और स्मेल्टिंग का 2500 साल से अधिक पुराना इतिहास है, जिससे कांस्य युग के दौरान देश की उन्नति को गति दी। उद्घाटन मैराथन में महाराष्ट्र पुलिस फोर्स 1 के प्रमुख IPS कृष्ण प्रकाश रेस एम्बेसडर के रूप में शामिल होंगे। मुझे खुशी हुई बताते हुए कि हिंदुस्तान जिंक वेदांता के ओर से और एनीबॉडी कैन रन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से हम लोग उदयपुर में उदयपुर हाफ मैराथन शुरू करने जा रहे हैं 29 सितंबर को। ये ऐसा इवेंट है उदयपुर में, बाकी हर एक चीज़ की उपस्थिति थी, केवल एक इसी का कमी थी। उदयपुर ने ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल देखा है वेदांता की ओर से। उदयपुर ऑफकोर्स एक वेडिंग डेस्टिनेशन है, एक टूरिज्म का स्पॉट है। उदयपुर मार्बल के लिए, जिंक के लिए पूरे दुनिया में नाम कमाया है, सीमेंट्स के लिए, तो हर तरह का खनिज के लिए नाम कमाया है। अगर एक कमी थी तो मैराथन का, वो कमी हम लोग पूरा करने जा रहे हैं। और ये मैराथन एक ग्लोबल स्केल में होगा और ये मैराथन मुझे जो उम्मीद है, ये केवल इंडिया का नहीं दुनिया का सबसे खूबसूरत मैराथन होगा, क्योंकि इसका जो स्पॉट, जो रूट है रते सागर के चारों ओर, वो अपने आप में एक बहुत ही खूबसूरत रूट है। ऐसा रूट दुनिया में कहीं मिलता नहीं है। तो इसको हम सबका ध्येय अभी यही है कि क्योंकि पहला है, इसको सक्सेसफुल बनाए, पूरा दुनिया को बताए कि उदयपुर वासियों ने किस तरह का मैराथन ऑर्गेनाइज किए हैं। और एक बार ये चालू हो जाता तो कभी रुकता नहीं है। हर शहर का अपना पहचान होता है मैराथन, उदयपुर का भी पहचान बनेगा, जो कि ग्लोबली वन ऑफ द बेस्ट मैराथन में माना जाएगा। हम लोग तो सोचे थे कि पहला मैराथन है, 2-3 हज़ार से लोग जुटाना मुश्किल होगा, लेकिन मुझे आज पता चला वो 5 हज़ार से ऊपर हो सकता है 6-6.5 हज़ार में जाके ये ख़त्म हो, जो कि हमको भी चिंता हो रहा है। इतने लोगों को दौड़वाना इस रास्ता में अपने आप में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन काम है, लेकिन हमारे साथ है एनीबॉडी कैन रन ऑर्गेनाइजेशन। उन्होंने जयपुर में बहुत बड़े बड़े उन्होंने स्केल में इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करते हैं, तो इसीलिए निश्चिंत है हम लोग के बहुत अच्छा से हो जाएगा। सर, व्हाट विल बी द टाइमिंग्स एंड द क्राइटेरिया फॉर द प्राइजेस? तो प्राइजेस तो देखिए, मेल फीमेल कैटेगरी, फिर उसके बाद एज कैटेगरी, उसके बाद आपका स्पेशली एबल्ड कैटेगरी, उसमें फर्स्ट सेकंड जो होता है नॉर्मल प्राइज रहता है। बट मैराथन का ये इस तरह का जो मैराथन है, इसका प्राइज सबके लिए होता है जो खत्म करता है। मेडल में लिखा रहता है फिनिशर्स मेडल, क्योंकि ये मैराथन अपने आप को टेस्ट करने का है, किसी के साथ कंपटीशन में दौड़ने का नहीं है। आप अपने आप को चैलेंज करिए कि मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्या, मैं 21 किलोमीटर दौड़ सकता हूँ क्या। अगर 21 किलोमीटर 3.5 घंटे के अंदर में आप कंप्लीट करते हैं तो आपको ऑफकोर्स सर्टिफिकेट मिलेगा, आपको ऑफकोर्स मेडल मिलेगा। हम सब अपने पर्सनली हम लोग दौड़ते हैं, मेडल का कलेक्शन करते हैं, तो अपने आप एक तो प्रूफ हो जाता है कि मैंने लाइफ में इतना मैराथन दौड़ा है। मनोज जी हमारे सामने 89 हाफ मैराथन उन्होंने दौड़ चुके हैं, तो हम लोग उतना तो नहीं है, लेकिन
एक सबको मोटिवेशन करने के लिए, ये उदयपुर केवल नहीं पूरा इंडिया को मोटिवेट करने के लिए कि सब लोग स्वस्थ रहें, अच्छा से रहें, और ऐसा एक इवेंट, ऐसा एक एक्सरसाइज है जिसमें आपको कोई पैसा खर्चा करना नहीं है, कोई सिंपल 2000-3000 के जूता बस बहुत है रनिंग के लिए। आगामी रविवार 29 सितंबर को वेदांता जिंक सिटी हाफ मैराथन का आयोजन हम उदयपुर में कर रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि इस मैराथन का फर्स्ट एडिशन है और ये हमने एम्स से सर्टिफाई करवाया है। एम्स इज एसोसिएशन ऑफ इंटरनेशनल मैराथन एंड डिस्टेंस रेसेस, जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, इन रनिंग इवेंट्स को सर्टिफाई करती है। और जो हमारा रूट है बहुत ही खूबसूरत इस उदयपुर मैराथन का होने वाला है, फतेह सागर के चारों ओर हम दौड़ने वाले हैं। और ये मैं एज ए रनर आपको बता सकता हूँ कि ये दुनिया की सबसे खूबसूरत मैराथन होने वाली है। इस मैराथन में जैसा कि सर ने बताया, हमारे पास अभी तक 3000 से ज़्यादा लोगों ने पार्टिसिपेशन हमारे पास आ चुका है और पार्टिसिपेशन अभी तक जारी है। इस मैराथन का स्टार्ट और जो फिनिश पॉइंट है वो फील्ड क्लब है, और एम्स की गाइडलाइन पे ही सारे अरेंजमेंट्स हम इस मैराथन के रूट पे कर रहे हैं। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से हमने अप्रूवल्स लिए हैं, उनका सपोर्ट हमारे साथ है। रूट पे जितने भी रनर्स हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से, 15 से ज़्यादा स्टेट से हमारे पास रनर्स आ रहे हैं, जिनकी सेफ्टी और जिनकी सिक्योरिटी के लिए हमारी टीम्स वहाँ अवेलेबल रहेंगी। मेडिकल पार्टनर हमारे गीतांजलि हॉस्पिटल हैं, जिनके मेडिकल काउंटर्स हमारे रूट पे रहेंगे। फिनिश लाइन पे हमारा मेडिकल जोन रहेगा, वार्मिंग अप और स्ट्रेचिंग के लिए हमारा एक अलग से फिजियोथेरेपिस्ट का जोन वहाँ पे बना रहेगा। रूट पे पानी की व्यवस्था, एनर्जी ड्रिंक की व्यवस्था, बायोलॉजिकल टॉयलेट्स और हमारे मेडिकल काउंटर्स की व्यवस्था वहाँ पे सुचारू रूप से रहेगी। पंख प्रेजेंट्स आनंदोत्सव 5th एंड 6th अक्टूबर सैटरडे संडे भैरव बाग बिहाइंड सेलिब्रेशन मॉल। शोकेस योर टैलेंट, विन अमेजिंग रिवॉर्ड्स, बुक योर स्टॉल्स एंड रजिस्टर योर एंट्रीज नाउ। एंट्री डिटेल, ड्राइंग कॉन्टेस्ट, दिया मेकिंग कॉन्टेस्ट, बंदरवाल मेकिंग कॉन्टेस्ट, ग्रैंड पेरेंट एंड ग्रैंड चाइल्ड डांस कॉन्टेस्ट, सोलो डांस कॉन्टेस्ट। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।